वही सवाल जो लगातार जेएमएम की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से उठाया जा रहा है, उसका जवाब क्या है? क्यों आप लोग बाबूलाल मरांडी को दर्जा देने पर तुले हुए हैं? क्या कोई दूसरा नेता नहीं है या फिर वजह कुछ और है? सरकार डरी हुई है बाबूलाल मरांडी से, इसीलिए वो नहीं चाहती कि नेता प्रतिपक्ष बने सदन में, आप लोगों की आवाज रखें। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग तय कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता कौन, ये तो हास्यास्पद है ना। हम अपना नेता किसी को भी चुने, और जिस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि बोरो प्लेयर ले आए हैं, इनको अपने साथी कांग्रेस के विधायकों के बारे में बताना चाहिए कि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के बारे में क्या राय है। कांग्रेस पार्टी के विधायक अभी दिल्ली जब गए थे तो उन्होंने इस बात की शिकायत की थी सरकार की कि दोनों विधायकों को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा रहा, और कांग्रेस पार्टी ने तो एक तरह से आप कहिए कि बंधु तिर्की को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर इस बात पर मुहर लगा दी है बगैर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के इंतजार के कि हम उनको अपनी पार्टी में मानते हैं। उनका अधिकार है कांग्रेस पार्टी का, अगर उन दोनों विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी में बुलाया है तो उनको मान सम्मान देना, और जहां तक प्रश्न है कि विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला करेंगे ये उनके विवेक की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जेवीएम का विलय हो गया तो सारी चीजें हमारे अधिकार क्षेत्र में है कि हम किसको विधायक दल का नेता बनाएंगे और किसको हम कौन सा पद देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हठधर्मिता अपना रहे विधानसभा अध्यक्ष की, जो आप कार्यशैली देखिए 2 साल बीत गए, आप बता दीजिए ना कि नहीं करने जा रहे हैं, और हम सब संवैधानिक तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से, कल हमारे विधायक और सांसद गए भी थे राज्यपाल महोदय के पास अपनी बात लेकर, तो यही बात वहां दोहराई गई कि आखिर विधानसभा अध्यक्ष किसके कहने पर सारे मामले को लटकाए हुए हैं, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर अपने आला कमान से शिकायत कर चुकी है, उनको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है।